गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय श्री राम, सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल एंड प्रेज द लॉर्ड। आज गुड आफ्टरनून से काम शुरू हो रहा है। गुड आफ्टरनून से क्या, गुड इवनिंग ही हो गई है। ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आज है मिशिका का बर्थडे, और मिशिका का बर्थडे हम थोड़ा सा अलग तरीके से कई बार सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट दो तीन साल से खैर हम सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए, तो आज इस साल हमने सोचा कि जो हम करते आ रहे थे वापस उसको रिपीट करें। तो हम आज आपको लेके चलते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी। हाँ, आज हम आपको लेके चलते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी दिल्ली में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक ऑर्फनेज है, बड़ा पुराना ऑर्फनेज है, और वहाँ पे मेंटली एंड फिजिकली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं वहाँ पे काफ़ी सारे वहाँ पे रहते हैं, या जिनके माँ बाप ने उनको पता नहीं किसी ना किसी कारणवश डिस्कार्ड कर दिया है, या जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो आज तो अभी 2000 कोविड से पहले तो हम इस तरह से मिशिका का बर्थडे मनाया करते थे, मतलब उन बच्चों के साथ कई बार वहाँ पे जाके केक भी काटते थे और उन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, उनको कुछ खिला देते थे। तो यही आज कोशिश करते हैं। आज हम कुछ खाने के लिए लेकिन नहीं जा रहे, वहाँ पे हम थोड़ा कुछ कैश चैरिटी कर देंगे, उनका एक मील को स्पॉन्सर कर देंगे, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो, और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये हर साल हम करते आ रहे थे पहले भी, तो इस साल दोबारा से कोशिश करते हैं वापस, वो जो हमारा एक आदत छूट गई थी क्योंकि कोविड भी आ गया था, पीछे थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रहा था, तो लास्ट एक साल से थोड़ी ज़िंदगी वापस स्टेबल हुई है। तो लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू, लेके चलते हैं आपको उस जगह पे। जो अपना टाइम था ना पहुंचने का वो था 4:30, बट ऑल थैंक्स टू द जबरदस्त ट्रैफिक सिचुएशन इन दिल्ली NCR हम लेट पहुंचने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा लेट निकले, बट मैनेजेबल था कि 4:30 से पहले पहुंच सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखो बता रही है कि इतना अप्रिशिएट नहीं करते कि अगर आप टाइमली वहां नहीं पहुंच रहे हो ना, तो वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, वो बहुत पंक्चुअल है। तो हम जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है और जो उनको हमने टाइम बताया था उससे 6 से 7 मिनट लेट पहुंचने वाले हैं। सॉरी फील करेंगे यार, क्योंकि ना वो बच्चे जो है ना वो जल्दी सो जाते हैं, आई थिंक 6-7 बजे वो सो भी जाते हैं शायद, उनका डिनर भी 5-6 बजे टाइप हो जाता है, बट माफ़ी मांगेंगे उनसे यार, गलती हमारी ही है। चाहे ट्रैफिक हो, हम ट्रैफिक को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें और 10-15 मिनट शायद पहले निकल जाना चाहिए था। तो वहाँ चल के देखते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकालेंगे, थोड़ा खेलेंगे। मिशिका वहाँ पे जाते हुए आई थिंक 7-8 साल तो हो ही गए हैं बस, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स का एक गैप आया जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। वहाँ पे जाके अच्छा लगता है, तो कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं है। मैं ट्राई करूँगा फिर भी जितना मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और जितना आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि वहाँ ना जाके अलग सुकून फील होता है, अच्छा फील होता है एक बड़ा, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब कोई बाहर से आता है उनके साथ कोई खेलता है ना, दे फील वेरी वेरी गुड। अरे वो रहा ना यार, सही है यही है, बस पहुंच गए, ये गलत बता रहा है। आदमी को बीच में क्या बाहर निकल के कर रहा है रास्ते में। Oh,
हेलो यार, अभी ना आंचल और मिशिका गए हैं मार्केट में, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली जस्ट अभी आपने जो देखा हुआ क्या था। आई नो इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग, कुछ ना कुछ वो अच्छा नहीं था, वो जो भी सीन था अच्छा नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि हुआ क्या। आपने देखा जस्ट कि मेरी गाड़ी सीधी जा रही थी, सामने ट्रैफिक लाइट्स आई और सामने ट्रैफिक लाइट में अगर आप ध्यान से देखो वो लाइट ग्रीन थी, तो मेरे को सीधा ही जाना था, स्ट्रेट जाना था बिल्कुल, कहीं मुझे लेफ्ट नहीं मुड़ना था राइट नहीं मुड़ना था। जब मैं सीधा जा रहा था तो सामने मिडल ऑफ द रोड में एक इनोवा गाड़ी खड़ी हुई थी। इनोवा गाड़ी मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और मुझे सामने जाना, सीधा जाना था। तो मैं जब उसको, मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी साइड में करी और मैं उसको थोड़ा क्रॉस कर रहा था, तो मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो आप, ऐसा मैंने उसको इशारा किया। एंड लिटरली वहां से सामने से आवाज आई, मैं आप मतलब क्लियर कट तो वो चीज नहीं बोल सकता पर बताता हूँ, डीके निकल जा। तो वो जब उसने बोला डीके निकल जा, तो आई कुड नॉट टॉलरेट दैट। मेरी वाइफ मेरे सामने बैठी हुई है, मेरी वाइफ को फेस कर रहा है वो आदमी और सामने से मुझे बोल रहा है डीके निकल जा। जैसे गुंडे बदमाश होते हैं ना छपरी, उस तरह का वो आदमी था, उसने मुझे ये चीज बोली। तो बॉस उसके बाद ना मेरे जो पढ़े लिखे वाले संस्कार थे, मेरे जो गांधी जी वाले संस्कार थे ना, वो उस टाइम ख़त्म हो गए भाई साहब, वो ख़त्म हो गए। आई जस्ट गॉट आउट ऑफ दिस कार और मैं उसको गया, मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसको कोई डायरेक्टली हिट नहीं किया, बट बहुत 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 आगे तक चली गई थी बात। बट ही वॉज लाइक, उसको कोई लेना देना नहीं था कि उसने गलती करी है, उसकी गाड़ी गलत जगह पे खड़ी है। ही वॉज सो गुंडागर्दी टाइप ऑफ आदमी। बट यार आपको साफ साफ बताऊं, कुछ लातों के ना भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते, तो वो कभी कभी ना यार, कभी कभी ना आपके आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाता है, वो आप नहीं कहीं पर टॉलरेट कर पाते। तो जब मैं वहां पे गया, जब मैंने उसको पकड़ लिया, वो काफी उस टाइम हीटेड माहौल था, बहुत ज्यादा हीटेड माहौल था, लेकिन समहाउ आई न्यू कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी वहां पे है, तो मैंने वो बहुत आगे नहीं बढ़ने दी और मैं आ गया गाड़ी में बैठ के और मैं चला गया। ठीक है, तो ये चीज हुई थी यार। आई एम अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एक चीज वहां पे उसमें अगर आप देखो, आपने वीडियो भी जस्ट देखा है, उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि मेरा सामने ग्रीन सिग्नल है और मैं स्ट्रेट जाना चाह रहा हूँ, बट सामने एक बड़ी इनोवा गाड़ी खड़ी हुई है जिसको मैं टाप के उसको मैं मार के नहीं जा सकता। मैं साइड ऑब्वियसली उसका वो गलती है, उसको अपनी जगह पे खड़ी करनी चाहिए गाड़ी, रेड लाइट है उसके एरिया की, उसके साइड की, तो उसको पीछे ही रखनी चाहिए। दैट वाज अ वेरी रॉन्ग पार्ट जो उस आदमी ने किया। और उसके बाद वो कहीं से भी गलती नहीं मान रहा है, कहीं से भी वो परेशान नहीं हो रहा है। मैंने उसको बोला कि क्या कर रहा है, ऑब्वियसली यार अगर आप गाड़ी में बैठे तो आप बोलोगे। उसके बाद तो मैंने बोला कि यहीं दिखा दूंगा, उसके बाद तो फिर मैं भी रुका नहीं, क्योंकि उसके बाद मैंने आपा खो दिया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो जो भी बोल रहा था। रोड रेज यार देखो, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड आई नो इट वेरी वेल, बट कई बारी आपको ना कई बारी सिचुएशन गोज बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो बट ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया कुछ, जो भी हुआ ऐसा नहीं हुआ कि मारपीट हो गई, किसी का खून खराबा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर वहाँ तक मुझे जाना भी नहीं था, आई वॉज लिटरली वेरी वेरी, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी के सामने उसने जो डी के भाग बोला ना, आगे आप लगा लो कि उसने क्या बोला, डी के निकल जा ऐसे करके। उसके बाद तो फिर मैंने जुबान चलाई, क्योंकि मैं भी गाली दे सकता था, बट मेरी वाइफ और मेरी बेटी बैठी हुई थी, मैं सीधा चला गया उसके पास और वहाँ पे भी मैंने कोई गाली नहीं दी, बट आई वॉज वेरी एंग्री ऑन हिम और बड़ी चिल्लम चिल्ली हो रही थी और गिरेबान तक पकड़ लिया था। और एक आपने जगह देखी होगी, मैंने उसको धक्का वक्का भी मार दिया था और वहाँ पे वो गाड़ी से वो कुछ रॉड वॉड निकालने की एक्टिंग कर रहा था, फिर बोल रहा था कि तू रुक जा, भैया को बुलाता हूँ, पता नहीं किसको बुलाता हूँ, अभी देखता हूँ तेरे को। तो ये सब आपने देखा ही। फिर वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे और उन्होंने छुड़वा दिया दो, बट अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। मैंने एट द एंड मैं रुक गया, मैं कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि चल छोड़ यार, रुक जा, चल छोड़ रुक जा, क्योंकि अल्टीमेटली यार उसके बाद क्या होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दादा हूँ या मैं उसको पीटी देता, मैं किसी पिक्चर का हीरो हूँ, अल्टीमेटली कुछ भी होता नुकसान दोनों का होता। उसके बाद पुलिस आती, मेरे साथ फैमिली थी, उसके साथ पता नहीं कोई पीछे बैठा हुआ था, मैंने देखा था, तो वो परेशानी होने वाली बात थी। इसलिए आई स्टॉप्ड एट द लास्ट मोमेंट कि बस अब मैं रुक जाता हूँ, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट मुझे पड़ रहा है, मेरी फैमिली को पड़ सकता है, तो इसलिए आई स्टॉप्ड उसके बाद। बट क्या करें इन लोगों का यार, कैसे वी शुड ट्राई टू टीच देम कि यार बस करो यार, मतलब अगर गलती कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको तो मान जाओ यार,
आप गलती भी कर रहे हो और फिर सीनाजोरी भी आप पूरी की पूरी कर रहे हो, आप फिर आगे से बंदे को गाली भी दे रहे हो. सो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज वेरी बैड. चलो ठीक है भाई, तो वो आने वाले हैं, तो मैंने कहा एक बारी ये चीज जरूर मैं एक बारी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो जरूर देखना और वीडियो में कहीं पे भी देखना कि ट्रैफिक सेंस वाइज कहीं ना कहीं मैं कहीं पे भी मैंने कोई गलती करी हो या कुछ किया हो, और उसके बाद जो भी आपने देखा. यार मेरी तो एक बिजनेस कॉल थी इसलिए मैं तो अंदर नहीं जा पाया. तो ये सामने मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, यहाँ पे भी मिशिका और आंचल गए हैं, इन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स जो आपने देख ली होंगी, इन्होंने फोटोग्राफ्स खींची थी, मैं नहीं जा पाया. सो मैं मेरे को बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स थी जो मुझे लेनी पड़ी और वो मैं अवॉइड नहीं कर सकता था. और लेकिन यहाँ पहुँचते अपने को अपना एक शराबी भाई मिल गया, जो शराबी भाई पी के जो है भंड है एकदम. हाँ भाई, ओ अच्छा, ओ ये शराबी भाई जो है दारू पी के एकदम भंड है, एकदम बढ़िया कराटे मार रहा है शराबी भाई. शराबी भाई जो है इसका नशा जो मुझे लग रहा कम से कम जो खुलेगा कम से कम सुबह खुलेगा या दो दिन बाद खुलेगा, क्योंकि शराबी भाई जो है एकदम भंड मस्त भंड है भाई साहब. चलो शराबी भाई आराम से अपना ध्यान रखना. शराबी भाई मुझे पता तुम बड़े अच्छे सपने ले रहे हो, मुझे पता तुम शराब के नशे में चूर हो, बहुत गंदी बात है शराबी भाई. बहुत बढ़िया शराबी भाई, शुक्र है ये गली के और साइड में पड़ा हुआ है, एटलीस्ट रोड पे नहीं है ये, तो शुक्र है भाई गिरा भी सही साइड पे है, गिरा नहीं है मतलब लेटा हुआ सो रहा है भाई, तो गहरी नींद में है राजा राजकुमार. चलो शराबी भाई ध्यान रखना अपना. ये अपने एक शराबी भाई थे जो बहुत बहुत गहरी नींद में थे, नशे में चूर थे और मजे ले रहे थे. नीतू जल्दी आ जा बेटा, अरे नीतू सुंदर लग रही है, इतनी बढ़िया लग रही है, वाह नीतू. अच्छा जल्दी ऊपर आ जा, जल्दी जल्दी से आ जा ऊपर, हम आ गए नीचे गाड़ी खड़ी करके आ रहे हैं. हाय आओ, एक और आराम से दिखाती है आपको. चलो चलो यार वीडियो करते हैं यहीं पे एंड. दिन फिर से लंबा था, ऑफिस था, ऑफिस के बाद फिर वहाँ कहीं चले गए, फिर लड़ाई झगड़ा भी हो गया, आज बहुत कुछ हो गया. तो चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं. प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग शेयरिंग, चढ़ा के रखो यार. बाय बाय.